उड़ीसा खरखोरी फुटबॉल मैदान एंट्री गेट ना रोनाल्डो मेसी ना कमेंट्री हेनका साज सजावट साज सजावट खरखोरी मैदान अड़े अड़े चोटे अब संताल परगना बंदा लतार चोटा ना हंडे स्टेज मेना मैदान पूरा मेना हंडे बोल द तम पुरो सासांगी आरागी अथवा जिमुगे थोड़ा स्टेज नजारा बोलिए बोले खरखोरी उड़ीसा मैदान करना स्टेज को साज सजाव और निये मैदान दो पुरो ढेकानल होना और जशपुर सबसे टॉप मैदान करना इनका नजारा हाँ डीजे मे ना पोनिया सेट मेना हनते बारिया मेना लेंगाड़ बारिया टोटल ना आठ टी सेटअप मेना हेन इनका नजारा ना साइकिल मेना मेन चेयर्स गला स्टेज करना हेनबून चेयर्स गला स्टेज करना वोबा चेयर्स गला स्टेज करना ना चेयर्स गल तीन खो डांसा हेन खो हालांकि इन दो 15 और 16 बार दिन कमेंट्री का इनका इन एग्जाम तीगोन तीय और कुछ उड़ा को रुआना को कॉल हेना तीन गई उड़ूक उड़ीसा खो ट्रेन मे साढ़े 11 बजे हेन तना मस्त सजावे नोब नो तना मस्त नजारा नलोग टंडी इन मस्त करना इन मज नलोगना आलम मेना कोटा टंडी नल चेबना हेन हेन टंडी रही फुटबॉल कमेंट्री होना बार दिन तेहन 16 तारीख और ना मिट्टे रेफरी वका को हेक ना बन को लिया आप हिंदी में बोलिए ठीक है रुके 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 ये इस अरे ठीक है अभी मॉर्निंग टाइम में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलिए ना तो चलिए आप इस मैदान के बारे में हमारे रेफरी से मैं परिचय करवाता हूँ। तो चलिए आप इस मैदान के बारे में इस एरिया के बारे में चूँकि मैं नया हूँ तो आप ही हमारे सभी ऑडियंसों को जवाब दे दें। मेरा नाम संतोष महाकुड़ मैं केंद्र डिस्ट्रिक्ट का आदमी इधर मेरा को मौका मिला खेलने के लिए और मेरा सुभद्रा दीदी ने मेरा को बुलाया कि मैं फर्स्ट टाइम इधर आया मैच खेलने के लिए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा ग्राउंड भी है इनका क्लब का असिस्टेंट मेंबर अच्छा है बहुत सारा कॉपरेट करता है और क्या बोलूँगी अपना रेफरी क्लब का बता दीजिए मेरा फुटबॉल असिस्टेंट ऑफ ओडिशा कटक में है मेरा रेफरी असिस्टेंट तो चलिए ये कटक रेफरी एसोसिएशन से ताल्लुकात रखते हैं और भी कमेंटेटर भी है लेकिन मैं तो आज नहीं रहूँगा क्योंकि मैं निकल रहा हूँ और सुबह वीडियो आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ नहीं तो यहाँ पर इस दर के इस स्टेट के सबसे टॉप कमेंटेटर प्रेम कुमार महंता हैं फिर रंजन मरंडी जी हैं फिर एक सुभद्रा मुर्मू जी है जो लेडी कमेंटेटर है बहुत अच्छा कमेंट्री करती है वो भी कल रात को आई है लेकिन मैं तो आज ही लौट रहा हूँ घर में भी थोड़ा स्थिति बीमार है और साथ ही साथ मेरा ट्रेन भी है और भी एग्जाम भी है तो ये मैदान देखिए इतना मस्त नज़ारा है और ये सुबह का नज़ारा इस वीडियो केवल आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ नहीं तो मैं वीडियो बनाने का चूँकि दो दिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था बहुत शेड्यूल था इधर उधर घूम रहे थे पूरा देश दुनिया देख रहे थे उड़ीसा नज़ारा और यहाँ पर ये रेफरी भैया हमको पूरा घुमा रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और हाँ हाँ और बहुत ही अच्छा लगा उड़ीसा में आ करके आप लोगों से रह करके और भी दो तीन जगह पर मौका शायद मिलेगा हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि सुबह रिव्यू मिल रहा था जब उधर गए थे तो ठीक है तब वीडियो पर आप सभी बने रहे इस क्षेत्र का मैं और भी क्या कहते हैं पर्यटक स्थलों के वीडियो मैं आप सभी को दिखाऊँगा ठीक है तब।